एक ओवर में 6 गेंद ही क्यों होती हैं? और विराट कोहली की ऐसी कौन सी रहस्यमय घटना है जिसने सभी को चौंका के रख दिया? और 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के इस 23 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने कैसे तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड? क्रिकेट के इन रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए बने रहे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे, क्रिस गेल और भारत के राहुल तेवतिया। लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है दोस्तों। ये कारनामा केकेआर के रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किया है, वो भी जब केकेआर को लास्ट ओवर में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों सबसे तेज स्तंभित करने का रिकॉर्ड भारत के महान क्रिकेटर MS धोनी के पास है। धोनी साहब ने मात्र 0.08 सेकंड में स्टंपिंग करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य की आंख झपकने में ही 0.10 सेकंड लगती है। फैक्ट नंबर 8, भाइयों 2011 विश्व कप में जिस बल्ले से MS धोनी ने फाइनल खेला था वो बैट क्रिकेट इतिहास में सबसे महंगा बैट है, जिसे करीब 72 लाख रुपए में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं एक ओवर में 6 ही गेंद क्यों होती है? दरअसल दोस्तों सन 1889 4 गेंद की एक ओवर में होती थी, और फिर 1899 तक 5 गेंद का एक ओवर हो गया, और 1822 से 1823 तक ये ओवर 8 गेंद का भी होता था। लेकिन इन सब ओवर में यह दिक्कत रही कि कभी गेंदबाज को दिक्कत का सामना करना पड़ा तो कभी बल्लेबाज को। 4 गेंद का एक ओवर जल्दी खत्म हो जाता था और 8 गेंद का ओवर बहुत लंबा हो जाता था और गेंदबाज बहुत जल्दी थक जाता था, इसलिए इसके बीच का रास्ता निकाला गया। 1879 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सिर्फ 6 गेंद का ही एक ओवर किया गया, जिससे ना गेंदबाज थका था और ना ही बल्लेबाज। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपको पता है अंग्रेजों ने जिन राष्ट्रों पर राज किया था सिर्फ उन्हीं देशों में क्रिकेट लोकप्रिय है और वो ही देश क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से हमारा देश भारत भी है। फैक्ट नंबर 5, फ्रांस डे की वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम है, उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे। फैक्ट नंबर 4, सचिन तेंदुलकर के नाम अनेकों रिकॉर्ड दर्ज है, उनके नाम 1000 शतकों का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। लेकिन दोस्तों इसी बीच उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज है। हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बोल्ड आउट हुए हैं, बॉलरों ने इन्हें 68 बार बोल्ड आउट किया है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स आपको जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली और भी हजारे दो ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शतक बनाया था। दोनों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 116 रन बनाए थे और दोनों ने ही यह शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। यही नहीं, दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में खेले गए थे और यह दोनों खिलाड़ी 6 नंबर पर खेलने आए थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र ने 25 साल की उम्र से ही पहले विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23 वर्षीय सचिन रविंद्र ने वनडे विश्व कप में 2023 में गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में सचिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। 1996 विश्व कप में सचिन ने 523 रन बनाए थे। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप रोजाना ऐसी फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्रिकेट में 3 स्टंप क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों पहले के समय में क्रिकेट में 2 स्टंप ही हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ ये बड़ी समस्या होती थी। इनके बीच से कोई बॉल कभी कभी इतनी तेजी से निकल जाती थी कि पता ही नहीं चलता कि बैट्समैन आउट है या नहीं। दोस्तों इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया गया, जिससे आगे चलकर नियम बना दिया गया और अब 3 स्टंप का ही प्रयोग होता है। दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले, हमारा चैनल बहुत डाउन हो रहा है, कृपया करके एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।